जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। गुरु जी, आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरे भोले भाले शिव, आप इस कलयुगी दुनिया में तारनहार बनकर आए हो। जाने कितने कष्ट हर लिए दुखियों के, कितना कैंसर खत्म कर दिया इस संसार से। एक ला इलाज बीमारी जिसका इलाज साइंस के पास भी नहीं था, उस बीमारी को आपके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद और मंत्र जाप ने कैसे ठीक करना शुरू कर दिया। ऐसी कृपा तो पहले कभी नहीं हुई। ये दुनिया तो करोड़ों वर्ष से पहले बनी हुई है और 33 करोड़ देवी देवताओं की धरा है ये धरती। बहुत 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 पवित्र धरती है जिस पर हमारे गुरु महाराज ने जन्म लिया। पर कैंसर का इलाज तो नामुमकिन था। एक बार कैंसर का कीड़ा शरीर में आ जाए, जान लेकर ही मानता है। पर गुरुजी, आपने तो जड़ से ही इसे खत्म कर दिया, तो फिर क्यों ना माने हम आपको, क्यों ना प्यार करें हम आपको। जैसे शिव जी ने जहर पिया दुनिया के कल्याण के लिए, ऐसे ही इस ला इलाज बीमारी को, इस विष को मेरे महाशिव ने, मेरे गुरु जी ने पीकर अमृत कर डाला। हाँ जी संगत जी, हम अपने गुरु जी के जितने शुक्राने करें उतने कम हैं, क्योंकि मुझे दिन में 40 में से 20 फोन तो कैंसर पेशेंट के ही आते हैं। उन्हें मंदिर का रास्ता बताकर मंत्र जाप की शक्ति और अमृत वेले का जाप बताना, ये मेरी सेवा है। लोग कहते हैं, बुलबुल आंटी, शायद आपको चुना है गुरुजी ने लाखों करोड़ों के बीच, आपसे ये सेवा लेकर कर्म कटवा रहे हैं। मेरे मालिक, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे भी कैंसर ना हो जाए, पर फिर महसूस होता है हो गया तो बैठे हैं ना मेरे गुरुजी, वही ठीक करेंगे। मुझे तो सपने भी आते हैं कि जैसे मुझे कैंसर हो गया है, इतने लोगों की प्रॉब्लम सुनते सुनते, और सपने में आकर गुरुजी ब्लेस करके ठीक भी कर देते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, अपनी वीरा को ऐसी सेवा देते रहना, संगत को आपकी अपार महिमा बता पाऊं, मेरे अहो भाग्य। शुक्राना आप जी का गुरुजी, ऐसी औकात तो नहीं मेरी कि आपकी महिमा का गुणगान गा पाऊं, पर जो आपने दिया है, जिस तरीके से आपने ब्लेसिंग दी है, इस दुखों की पोटली को, दुखों की गठरी को, सारे दुख मेरे ख़त्म कर दिए। पिछले साल 2.5 साल की बच्ची का कैंसर ठीक किया, जो जहांगीरपुरी में रहती है, और इस नए साल पर एक और बच्ची को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। उसकी भी 45,000 प्लेटलेट से 3.5 लाख हो गए। क्या करिश्मा है, क्या आपका जादू है। एक अंकल जिनकी अभी शादी हुई थी, उन्हें भी क्योर कर दिया। एक अंकल इंग्लैंड में, उनके मुंह में कैंसर था, पानी तक नहीं पी पा रहे थे। संगत जी, अचानक उनके बेटे का रात को फोन आता है, क्योंकि वहाँ दिन था, उन्होंने यूट्यूब से नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया। बस उन्हें मंत्र जाप की शक्ति बताई, अमृत वेले के बारे में बताया और कहा कि अभी से ही मंत्र जाप शुरू कर दो। संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि रात को ही उन्होंने शुरू कर दिया मंत्र जाप करना। मैं तो भूल गई उनसे बात करके। अगले दिन जो अंकल के पापा, जिन्हें मुंह में कैंसर था, उनका खुद मुझे सुबह नेक्स्ट डे कॉल आया कि मैंने जैसे आपने बताया था वैसे ही सारी रात मंत्र जाप चलाया, और आज 6 महीने के बाद आंटी मैंने चाय पी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने पानी पिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, और खाना भी खाया। क्या कमाल कर दिया गुरुजी ने, एक रात में ही कमाल कर दिया। ऐसे ही ऋषिकेश में जिनके कैंसर के पेशेंट थे, उनके कैंसर भी गुरुजी ने 70% ठीक कर दिए। वहाँ पर हमें बुलाकर हमसे सेवा ली, हमसे सत्संग करवाया। गुरुजी, ऐसी सेवा जो आप बख्शते हो, कभी कोड़ियों के यहाँ, कभी कैंसर पेशेंट के यहाँ, कभी अंधे बच्चों के यहाँ, कभी गूंगे बहरे बच्चों के यहाँ,
कभी वृद्ध आश्रम में, गुरुजी मैं बता नहीं सकती ये हमारे कौन से कर्म कटवाने का आपने जरिया बनाया है। हमारे साथ बाकी सारे सेवादारों के कर्म भी कट रहे हैं और संगत बहुत मन से सेवा करते हैं। संगत जी, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका भाव चाहिए, उन्हें आपका वक्त चाहिए। आप आज गुरुजी सामूहिक मंत्र जाप क्यों करवा रहे हैं? सृष्टि को अर्पण करिए सामूहिक मंत्र जाप, अपने लिए मत मांगिए, उस जाप की शक्ति आप गुरुजी को दें। गुरुजी आप जब चाहें हमें ज़रूरत हो तो हमें दे देना, बस यही मेरी सेवा है, यही मेरा कर्म होना चाहिए। और बड़े मंदिर का रास्ता, जिन दिन दुखियों को बड़े मंदिर के बारे में नहीं पता, संगत को जोड़ो, गुरुजी ने कहा कल्याण करो। कल्याण करूंगा मैं तुम्हारा, कल्याण करने ही तो आया हूँ। गुरुजी ने कहा तुम एक संगत को मेरे से जोड़ते हो तो मैं तुम्हारे एक खानदान का उद्धार करता हूँ। सोचो अगर तुम दिन में 50 संगत जोड़ रहे हो, तुम्हारे कितने हजारों वर्षों के मैं कर्म कटवाता जा रहा हूँ। मेरी तो 84 लाख योनियों के कर्म गुरुजी कटवा रहे हैं, बस मुझे यही चाहिए, आपकी सेवा में लगी रहूं। आपकी प्यारी वीरा, मेरे प्यारे वीर जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, जय गुरु जी।